लाइन ऐसी लगी हुई है, देख के लग रहा है कि किसी को वापस नहीं जाना। ये लाइफ में पहली बार बर्फ छू रहा है, फर्स्ट टाइम इन स्नो। आप ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बेवकूफ बन जाएंगे और नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तान में क्या साहब इतने लोग बोल रहे हैं कि मत ही जाते, वो तो मना नहीं कर रहे ना कि 4 बजे बंद कर दो। यू टेल हिम द कैप्टन सौरभ फ्रॉम द नेवी वांट्स टू कम। देखो भाई अपन देखे हमने बहुत जी बहुत ज्वाला हो रहा है भाई। अरे चुप हो जा। अगले 2-3 दिन तक वेदर क्लियर है नहीं एंड काफी स्नो स्टॉर्म आ रहा है। बारेला चला पास पे, मैं नहीं चाहता यहाँ पे फंसना। हम लोग आ तो गए हैं भाई यहाँ पे, बट बिल्कुल नहीं फंसना चाहता हूँ यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम फ्रॉम जिस्पा। दिस इज आवर डे 2। आज से यहाँ से हमारी एक्चुअल लद्दाख की ट्रिप शुरू होने वाली है। आज हम लोग निकलेंगे जांस्कार के लिए, दैट इज सिंकुला पास होते हुए हम लोग आज गोनपुर रंजन जाएंगे, वहाँ पे कैंप करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट डे पादुम होते हुए ले निकलेंगे। सो वेदर काफी खराब रहा है रात में, काफी ज्यादा यहाँ पे जिस्पा में तो बारिश हुई है, चांसेस है कि सिंकुला में स्नो हुई होगी। सो रास्ता खुला हो तो अच्छा है, लग तो रहा है कि खुला है क्योंकि काफी सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि लोकेशन कितनी है। अभी हमारी चल रही है पैकिंग, ऑलरेडी लेट हो गए, 6 बजे का प्लान था, वो 7:30 हो गया। पैक करते करते पूरी रात पूरी गाड़ी गीली हो गई है। कैसा लग रहा है वेदर? ठंड लग रही है, कैसा है यार? ठीक है, कपड़े पहने हैं तो ठीक है, ठंडा है लेकिन। कितनी लेयर्स पहनी है? 2 थर्मल, फिर एक टी शर्ट और ये मोटा जैकेट। अभी तो नहीं लग रही ठंडी, ऊपर थोड़ी और ठंड पड़ेगी तो देखते हैं वहाँ पे। जाओ, कितनी लेयर्स पहनी है? 5। तो गाइस हम लोग दारचा ब्रिज पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा दारचा ब्रिज एंड ये पूरी ट्रक्स की लाइन लगी हुई है। ट्रक्स एंड टूरिस्ट की लाइन अलग रहती है, सो इस वजह से अभी हम लोग साइड से जा पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग लाइन ब्रेक कर रहे हैं। तो भाई अभी मामू लोग ने रोक लिया है, लेट्स सी कि जाने देने वाले। अभी तो बोल रहे हैं कि कोई श्योरिटी नहीं है। तो गाइस हमारी गाड़ी अभी नीचे लगवा दी है बाकी लाइन से, बिकॉज ब्रिज पे पूरी लाइन लग गई है एंड वो लोग बोल रहे हैं कि ब्रिज पे आपको गाड़ी नहीं खड़ी करवानी, तो बाकी सबको भी रिवर्स करवा रहे हैं। नीचे हम लोग लाइन लगाएंगे, नीचे टाइम पास करेंगे, जब तक जाने नहीं देंगे। कुछ पता नहीं है अब तक, कब तक जाने देंगे। अब इधर ही इंतजार करना है भाई गाड़ी लगा के मस्त। बाहर रास्ता है, वो ब्रिज है बाहर, अपन हल्का स्ट्रीम में डाल के ऊपर चढ़ सकते हैं। मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं है, अपन उसमें डाल के गाड़ी आराम से निकाल सकते हैं। लग रहा है डालेंगे नहीं वहाँ से, दिक्कत है। हम लोग अब तक दारचा पे ही बैठे हुए हैं, सुबह 7:30 बजे आ गए थे, बट बारिश एंड मौसम इतना ज़्यादा है कि सिंकुला पास एंड लेह वगैरह सब कुछ बंद है अभी फिलहाल। तो उम्मीद तो नहीं है कि आज खुलेगा, कल भी सिंकुला का बोला है कि शायद सिंकुला तो नहीं खुलने वाला है, बट मे बी ले वाला रास्ता खोलते हैं, सरचू वाला, तो देखते हैं जो खुलेगा। पहले हम तो सोच रहे निकल जाएंगे, भले ही उल्टी आइटिनरी करना पड़ेगा, जैसा भी कुछ खुले तो सही। फिलहाल तो अटके हुए हैं, सोचा रात में इधर ही काम कर लेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी सबसे आगे आ गई है फिलहाल। कुछ नहीं भाई, क्या होगा आज पता नहीं, कल का भी दिन यहीं रुके थे तो आज भी यहीं पर बैठे हुए हैं। लाइन ऐसी लगी हुई है, देख के लग रहा है कि किसी को वापस नहीं। सब उम्मीद लगाए बैठे हैं जाएंगे जाएंगे, इसलिए हमें भी मन नहीं कर रहा पीछे जाने का। और कभी कभी ऐसा होता है कि लॉट्स में गाड़ियाँ छोड़ती है, जैसे 30 गाड़ी फिर 30 गाड़ी, तो उसमें क्या अगर हम लोग लाइन में वापस पीछे चले गए एंड यहाँ पे ऐसा हुआ कि चलो आज ठीक है 30 गाड़ी छोड़ रहे हैं, तो हम लोग उसमें नहीं जा पाएंगे, इसलिए आगे रहना ही ज़्यादा ठीक है। एटलीस्ट जब भी निकले तो सबसे पहले निकलेंगे, भीड़ भी अपने पीछे रहेगी, आगे नहीं रहेगी। आगे पीछे रहने से दिक्कत क्या है ना कि कभी कभी गाड़ियाँ छोड़ भी दी यहाँ से तो आगे जाके कोई ना कोई गाड़ी फंस जाती है, तो हम लोग अगर आगे रहेंगे तो एटलीस्ट हम लोग तो निकल ही जाएंगे, बाकी पीछे वाले अपने हिसाब से आते रहेंगे। सो गाइज जस्ट अभी 2 बजने वाला है एंड अचानक से अभी थोड़ा सा मौसम खुला था, तो आगे तो नहीं जाने तेरे ज़्यादा, बट दीपक तालते रास्ता खुला था, हम लोग यहाँ से तो निकल रहे हैं सीधा। आगे जाके देखेंगे कहाँ कैंप करना है नहीं करना, बट यहाँ वापस नहीं आएंगे, आगे यहाँ से निकल रहे हैं। बारिश बंद हो गई और कहीं कहीं पे काफ़ी धूप भी निकल आई है, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं बस जल्दी जल्दी, फिर आगे देखेंगे अभी।
ही रास्ता सीधा जाता है जांच का डाउन। पुलिस वालों ने इसीलिए वहाँ पे जांच कर वाले स्प्लिट जो है उस पर अलग से एक बंदा खड़ा किया हुआ है, पता है कि लोग नमूने हैं सीधा हो सकता है भाग जाए, तो वहाँ पे पहले से एक बंदा खड़ा किया है कि भाई जांच कर किसी को जाने नहीं दे रहा है, दीपक ताल तक खड़ा हो गया सिर्फ। वापस आ रही है गाड़ी आगे से। कोई नहीं अभी आ जाएंगे जाके। आगे से घुमा दिया क्या वापस? अच्छा रास्ता लेकिन कहाँ तक खुला हुआ है? ले तो खुला है क्या? सरचू तक जाएगी? ठीक है थैंक यू। सो गाइस वी आर एट जंगल बार राइट नाउ, यहाँ तक रास्ता खुला मिलते दीपक ताल पे कोई रोकने वाला था नहीं तो सारी की सारी गाड़ियाँ आगे आ रही थी। भाई यहाँ पे स्लीट हो रही थी, टट्टा लग रहा है भाई की आंखों में चोट लगी है। आईटी मेरी की थोड़ी माँ बहन बनने वाली है हमारी, बट कुछ तो हो जाएगा। रास्ता देख यार क्या खतरनाक है भाई। फर्स्ट टाइम इन स्नो तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो भाई जून में अगर आगे नहीं भी जाने दिया तो पीछे जो थोड़ा सा प्लेन एरिया था ना वहाँ क्या कैंप कर लेंगे भाई, सख्ती मजा आया। ये लाइफ में पहली बार बर्फ छू रहा है। ओ गाओ सो गाइस हम लोग जिंग जिंग बार पे अभी रुके हुए हैं एंड अपडेट ये है कि यहाँ से आगे अभी जाने नहीं देंगे, यही आज का लास्ट पॉइंट है। तो जितने भी लोग हैं जो पहली बार आए हैं वो सब यहाँ पे बर्फ जो पुरानी बड़ी हुई एसी में मज़े कर रहे हैं एंड हम लोग भी बस थोड़ा इनका वेट कर रहे हैं अपने साथ में, क्योंकि 6 में से 4 लोग ऐसे हैं जो लाइफ में पहली बार इतने एल्टीट्यूड पर आए हैं, इतने लो ऑक्सीजन में आए और जिनने लाइफ में पहली बार बर्फ देखी है। शॉक देख रहे हम लोग के पास अभी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, आप भी उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। आप क्या इंसिस्ट करें कि ये सारे के सारे लोग जो है नीचे जाएं? वो तो नहीं हो पाएगा ना, कैसे हो पाएगा? आपको लगता है कि हम नीचे जाके परमिशन लेके आज फिर से अटेम्प्ट मार सकते हैं? डीजल पर आप ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बेवकूफ बन जाएंगे और नहीं जा पाएंगे? अच्छा अभी 20-20 4x4 साथ जाएंगे तो क्या दिक्कत है यार? परमिशन के लिए तो आप हो यार हमारे। सो भाई बहसबाजी चल रही है यहां पे पुलिस वालों के साथ। जब आपको बोला था नीचे सर एक के पास वॉकी टॉकी तो है, जिन दिन बाद तक जो जाने वाले उतर आइए बोला था सब कुछ बोला, तब आपने ये क्यों नहीं कहा कि नहीं हमें ले जाना? एग्री एग्री क्यों बोले मानी साहब हो रहे आपको सब पाकिस्तान में क्या सबको तो सब ले जा रहे हैं 10-20 किलोमीटर में मौसम साफ नहीं हो रहा क्या सर? इतनी धूप है अभी विंडो है ठीक है एज ए बात वैसी करो ना भाई साहब 2 घंटे का बात वैसी करो ठीक है। इतने लोग बोल रहे हैं कि मत ही जाने दो, वो तो मना नहीं कर रहे ना कि 4 बजे बंद कर दोगे, वी आर नॉट ऑथराइज करना है। अच्छा चलिए बताइए ऑथराइजेशन कैसे लेंगे बोले? चलिए ऑथराइज नहीं है ऑथराइजेशन कैसे ठीक है एक मिनट नंबर दूंगा बोर्ड पे चले जाइए सिग्नल है उस नंबर पे कॉल कीजिए वही परमिशन करते हैं। हेलो यू टेल हिम द कैप्टन सौरव फ्रॉम द नेवी वांट्स टू टॉक। भाई कैप्टन देखे हमने बहुत जी बिल्कुल देखे मेरी जगह बैठ के ठीक है वो भी तो अपना रैंक का तो आप क्यों बोल रहे हो कि फोन वाला आ रहा है भाई? अरे चुप हो जा कुछ मत करो बीआरओ से बात करो, बीआरओ बोलते ठीक है बीआरओ खुद डीसी को फोन करेगा सर भेज दो ठीक है सर आपको अगर जो भी रिस्पांस आता है इसके बाद हम वहां जाने की कोशिश। हमें क्या दिक्कत है जरूरी आपसे लड़ना जरूरी आपसे सीन ऐसा है कि ऊपर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन्हें छोड़ दिया गया है दूसरे साइड से क्योंकि अभी वेदर खुल गया था और इनको टाइमिंग था सेकंड हाफ में, बट यहाँ से जब जाने का टाइम था तो उस टाइम पे मौसम ख़राब था, तो इन लोग की भी कोई गलती नहीं है, इनके ये तो ऑर्डर से फॉलो कर सकते हैं। तो लोग समझ नहीं रहे, लोग बोल रहे कि भाई ऊपर से गाड़ी आ रही है तो छोड़ दो हमें रास्ता तो खुला हुआ है, तो वही अनबन चल रही थी फालतू में। अब ये लोग भी क्या करेंगे के ऊपर ऑर्डर से अगर ये छोड़ भी दें आगे जाके कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो सब इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो ये कैसे छोड़ सकते हैं? दोनों अपनी अपनी जगह कुछ हद तक सही हैं, तो अभी वो नीचे गए हैं स्पेशली परमिशन लेने के लिए अलग से बीआरओ से, तो अगर वो अलाउ करते हैं तो ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 4:30 जिससे 4:30 बजे अभी क्या है रूल ये है कि जब गाड़ियाँ नीचे आ रही है ही हैज द राइट ऑफ वे यू विल वेट नॉट नेगोशिएटेड वन वे में। फाइनली छोड़ भी दिया है स्नोफॉल भी चालू है भाई, फाइनली हमें यहाँ से गलती से छोड़ दिया है, पता नहीं क्या बहसबाजी की इनने, लेकिन सारी गाड़ियाँ थ्रू हो रही थी तो हम भी निकल गए। अगले 2-3 दिन तक वेदर क्लियर है नहीं एंड हम लोग ज़बरदस्ती नहीं जा रहे, सारी गाड़ियों को थ्रू किया है अब, तो उनका जो रिटर्न लोग आ रहे हैं ना उनका कहना है कि वारालाचला पे बिल्कुल भी स्नो नहीं है, सो थ्रू है रास्ता, तो अभी इसलिए यहाँ से छोड़ दिया, परमिशन इन्हें ऊपर से मिल गई है, बट लेट्स सी अभी जैसे देखो ये आगे
ये ऐसी बारेला चला में काफी बदला हो जाता है, तो अभी क्लियर इतना है कि दे हैव द राइट ऑफ वे जो ऊपर से आ रहे हैं। क्या बात है, पहली बार में सो कॉल मिल गया। हम लोग 12 लाचला पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वाइट है सब कुछ, वाइट है कुछ नहीं दिख रहा। चश्मे के बिना तो मुझे नीचे मैं देख नहीं पा रहा था, आंखें नहीं खुल रही थी। भाई मुंह में आ रहे हैं बर्फ। चट्टान है बस, रोड रोड कटा हुआ है। हम लोग अभी 15,380 फीट पे हैं एंड काफी स्नो स्टॉर्म आ रहा है बारेला चला फास पे। मैं नहीं चाहता यहाँ पे फंसना, हम लोग आ तो गए हैं भाई यहाँ पे, बट बिल्कुल नहीं फंसना चाहता मैं यहाँ पे। All good? टायर हो गया, फ्लैट हो गया यार। आपके पास पंचर किट वगैरह है? हाँ बस ये स्टेपनी, ये स्टेपनी खोल। बारेला चला पे फोटो खिंचवाने के बाद हम निकल रहे हैं भाई, भयानक मजा आ रहे हैं इधर। अब सीधा सरचू पे रुकेंगे भाई, बहुत ठंड है। तो हम पहले भी हट गया है अपने इस एरिया से, बारेला चला पास से उतर रहे हैं। ऐसे वीडियो बनाना होता तो बाहर लटक जाते हैं ना। अच्छा जैसे नहीं, दोनों तरफ से गाड़ी आ गई, इधर से रुको ये वारला से ऊपर है ना, रात को गाड़ी ट्रैफिक जम गया होगा, साइड लेने के लिए कोई जगह नहीं थी, रात को गाड़ी गाड़ी होगी फिर क्या, इधर तो जाने को कोई, और यहाँ ऑक्सीजन की वजह से कमी है। तो मनाली लेकिन बच नहीं पाए। यहाँ सर अभी 7-8 महीने हुए इधर, तो पहले जे एंड के में था। ज्यादातर क्या है अपना ये बॉर्डरों पे ही है, पहाड़ी क्षेत्र है ना जो नॉर्थ ईस्ट है, और थोड़ा फोटो वीडियो ले लेते हैं। भाई कैसे लग रहा? खोल के दूं? नींद आ रही? नींद आ रही है, थोड़ा हेडेक हो रहा है, मतलब सिर भारी भारी हो रहा है इसमें। क्यों ऐसा? चॉकलेट पिएगा? हाँ हाँ पीऊंगा ना मैं भी।